एक मर्यादा के तहत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। और विशेषकर चुनाव के समय ऐसा कोई भी दल हो, कोई भी दल के नेता हो, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे नीचे, क्योंकि बड़ा नेता तो बोल देता है लेकिन नीचे जो टकराहट होती है, इस सब बयानबाजी से बचना चाहिए। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आता है, मान लीजिए बहुत कुछ इतिहास गवाह है कि ऐसा शब्द न प्रयोग करें जिससे कहीं सामाजिक माहौल, जातीय माहौल बिगड़े, इससे परहेज करना चाहिए। एक हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान के तहत बोलना चाहिए। अगर संविधान के तहत कोई नहीं बोलता है तो उस पर तो निश्चित रूप से फैर होना चाहिए। ये इसका मेरी पार्टी स्वागत करती है, कोई भी हो। सीट हम लोग पहले कह चुके हैं, 6 सीट प्लस 1 राज्यसभा, इस पर हमारी बातचीत हुई है। अब बाकी हम लोग की पूरी प्रदेश कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर चुकी है कि वो जो फैसला लेंगे वो मंजूर है पार्टी। अब ये देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया के सामने, जैसे NDA में ही सीट शेयरिंग की बात तो आपके सामने नहीं होगी ना। सीट शेयरिंग की बात एक बंद कमरे में होती है और बड़े नेता बैठते हैं, चाहे NDA से हो चाहे मंडी, किससे बात हो रही है, किस क्या नहीं हो रही है। जब बातचीत का रिजल्ट आ जाएगा तो आपके सामने, बिना आपके सामने थोड़े ना कुछ हो सकता है। अंततोगत तो आपके पास जाना ही है। हम लोगों को राजनीतिक रूप से कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है, चूंकि गठबंधन धर्म की एक मर्यादा है। और हम पहले अकेले थे तो सबसे बात होती थी, लेकिन आज जब हम लोग NDA में आ गए हैं तो अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं होती। अब मान लीजिए सामने पढ़ने पर मुलाकात हो तो पक्ष विपक्ष से बात करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात, राजनीतिक बात कुछ नहीं हो रही है। हम लोग NDA में पूरी तरह से एकजुट हैं और NDA के साथ हैं। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो इस मामले में बदनाम है, प्रधानमंत्री जी के नीतियों को गुणगान करने में। और प्रधानमंत्री की नीतियों से तो पहले भी प्रभावित है, आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने 2020 में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारे जो विजन है प्रधानमंत्री का उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह, हमारे नेता उनकी सहमति है। लालू यादव और उम्मीदवार की घोषणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, हो सकता है उस दिन उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाए। तब तक तो हमको लग रहा है क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ, हो सकता है उस दिन उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाएगी। सीट शेयरिंग की जो मामला है वो क्या ठीक ठाक है बीजेपी के साथ वार्ता? नहीं नहीं, देखिए बहुत कुछ, 2020 में जब हम लोग NDA से अलग हुए थे, उसके बाद पुनः जब हम लोग NDA में गए, चिराग जी के फैसला लिए कि हम NDA में जाएंगे, उस समय ही बहुत कुछ हम लोग बात, हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के, उसमें नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, आप लोगों को याद ही होगा, तो उस समय भी हमारे नेता की बात लगभग हो चुकी थी सभी मुद्दों पर। अब बाकी मान लीजिए इधर नीतीश कुमार जी आए तो गठबंधन में कुछ बैठ करके बड़े नेता आपस में बात करेंगे, और निश्चित रूप से जो हमारी बात पहले हुई है वो बात आज भी। PM के कार्यक्रम में नहीं आना क्या संकेत? देखिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं आने का जो आपने सवाल पूछा, वो चुनावी कार्यक्रम नहीं था, NDA की नहीं थी, वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी लगभग बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं जो सरकार जो जनता के लाभ के लिए है उसका उन्होंने शिलान्यास किया, सुखद क्षण था। लेकिन पहले से ही उस कार्यक्रम में हमारे नेता का कहीं प्रोग्राम पहले से निश्चित था और वो सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए वहाँ के लोकल सांसद, हमारे जिला के सभी, दोनों जिले औरंगाबाद में भी हमारी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले सब लोग थे, बजाबते उनका पास ही हुआ था, हमारे जिला अध्यक्ष बेगूसराय में चाहे औरंगाबाद में। तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसको किसी राजनीतिक विषय से जोड़ना कतई उचित नहीं होगा। उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11:30 बजे दिन में आएंगे और उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के सभी शीर्षस्थ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ के कार्यक्रम प्रभारी हैं, हमारे और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि उस दिन कार्यक्रम है और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का बिगुल लगभग बज गया है और हमको लगता है कि कुछ ही दिन में कोर्ट ऑफ कंटेंट हो जाएगा। और परंपरागत सीट के अनुसार हमारी 45 सीट पहले से रही है, 2014 में भी हम यहाँ चुनाव जीते हैं, 19 में भी हमने चुनाव यहाँ जीता है और 24 में भी हमारे प्रत्याशी तय होंगे। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बजाबते यहाँ के प्रत्याशी की घोषणा करेगी
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत हैं। इसी क्रम में आप लोग के बीच मैं आया हूँ यही बताने कि उस दिन आप सब लोग को आमंत्रित भी करूँगा और आपके माध्यम से हमारे नेता के हमारे पार्टी के सभी और जो भी हमारे नेता के चाहने वाले सुनने वाले लोग हैं सबको भी आमंत्रित करूँगा। अब आप लोग और पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।